सुप्रभात कक्षा पांचवी। कल हमने हिंदी के पाठ आठ शीर्षक कृष्ण और सुदामा का कल हमने पहला वाला भाग को पढ़ा, पहला और दूसरा। आज हम तीसरा दृश्य और चौथा दृश्य पढ़ेंगे, कृष्ण और सुदामा। जो कहानी हमने कल आपको बताई थी उसी के आगे की कहानी आपको बताएंगे। उस कहानी को बताने से पहले कुछ कठिन शब्द और शब्दार्थ है जिनकी हम उच्चारण करेंगे। कठिन शब्द कृष्ण, पोटली, जीव, द्वारपाल, स्वादिष्ट, रुक्मणी, स्वामिनी, उपवास, ब्राह्मणी, धन्य, प्रभु, कुटिया। शब्दार्थ जीव से जर्जर मतलब टूटा फूटा हुआ, भरपूर पूरी तरह से, व्रत उपवास, स्वादिष्ट स्वाद से भरपूर, स्वामिनी मालकी, व्यथा दुख। देखिए अब आपको हम तीसरा दृश्य और चौथा दृश्य के बारे में बता रहे हैं। तीसरे दृश्य में क्या होता है आपको हमने बताया था, अपने पुत्र और पत्नी से विदा लेकर सुदामा द्वारिका में निकल जाते हैं। बहुत दिनों तक चलते 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 थक जाते हैं, पैरों में जूते चप्पल ना होने की वजह से पैरों में कांटे गड़ते हैं, खून बहता है, काफी पैर के छिल जाते हैं। दयनीय स्थिति में वो द्वारिका पहुंचते हैं। द्वारिका जब पहुंचते हैं चारों ओर में बड़े बड़े भवन दिखाई देते हैं, महल दिखाई देते हैं, तो सोचते हैं मन में कि कृष्ण का महल कौन सा होगा और खड़े होकर देखने लगते हैं। नगरवासी आते जाते दिखाई देते हैं तो एक नगरवासी को रोककर पूछते हैं कि श्री कृष्ण द्वारिका देश का महल कौन सा है, तो बोलते हैं जिस घर के सामने आप खड़े हैं यही तो द्वारिका देश का महल है। तो बड़े आश्चर्यचकित होकर उस महल को देखते हैं, इतना बड़ा महल, इतने बड़े महल में मेरा मित्र रहता है। और महल के सामने दो द्वारपाल को देखते हैं, उनके पास जाते हैं और बोलते हैं श्रीमान मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। तो द्वारपाल बोलता है कि बिना आज्ञा के कोई भी श्री कृष्ण से नहीं मिल सकता। बोले नहीं, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, गुरु मित्र है, गुरु मित्र हूँ, हम दोनों ने एक ही आश्रम लेकर एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की है। तो द्वारपाल बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन जब तक हमें आज्ञा नहीं मिलेगी हम आपको अंदर नहीं ले जा सकते। तो सुदामा बोलता है अच्छा तुम जाके श्री कृष्ण से इतना कह दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। तो द्वारपाल बोलता है ठीक है। द्वारपाल महल के अंदर जाता है और श्री कृष्ण भगवान का अभिवादन करते हुए कहता है कि महाराज द्वार पर एक दरिद्र ब्राह्मण खड़ा हुआ है, वो आपसे मिलना चाहता है और अपना नाम वो सुदामा बता रहा है। श्री कृष्ण भगवान जैसे ही सुदामा नाम सुनते हैं दौड़ते हुए मेरा मित्र, मेरा परम मित्र, मेरा प्यारा मित्र, ऐसा कहते हुए दौड़ते दौड़ते आते हैं और सुदामा को गले लगा लेते हैं और आंखों से आंसू बहते रहते हैं और उससे पूछते हैं कि सुदामा तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम क्यों नहीं आए। कृष्ण भगवान उन्हें लेकर महल के अंदर आते हैं और उनको सिंहासन पर बैठा देते हैं और जो उनके दास दासी होती हैं नानी उनसे बोलते हैं पानी की व्यवस्था करो, तुरंत जल लेकर आते हैं। सुदामा के चरण को एक परात में रखकर कृष्ण भगवान धोते हैं और एक साफ कपड़े से पैर को पोंछते हैं और पोंछते पोंछते रोने लग जाते हैं क्योंकि उनका जो पैर है कांटों से छिल कर पूरा जख्मी हो गया था। रोते हुए बोलते हैं सुदामा से सुदामा तुम इतना कष्ट भोग कर मेरे पास आए, तुम्हें मुझे ही बुला लेना था। तो सुदामा बोलता है मित्र इस दरिद्र का पता क्या बताता मैं आपको। बोलते हैं अच्छा चलो, दास दासियों को बोलते हैं जल्दी से खाना लगाओ। तुरंत ही एक चौकी पे कई प्रकार के व्यंजन खाने के लिए आते हैं। कृष्ण भगवान स्वयं अपने हाथों से परोस कर मित्र को खाना खिलाते हैं और
सुदामा बड़े प्रेम से खाना खाते हैं, पेट भर कर खाना खाते हैं। कृष्ण से बोलते हैं, अब मेरा पेट भर गया है, मैंने बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट भोजन किया, मेरी आत्मा को तृप्ति मिली। कृष्ण, अब तुम भी भोजन कर लो। कृष्ण भगवान बोलते हैं, मैं भी करूंगा भोजन, लेकिन ये बताओ मेरी भाभी और भतीजा कैसे हैं? बोले, वो तो ठीक है, उनके कहने पर ही मैं आपके से मिलने आया हूँ। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, अच्छा ये बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए उपहार में क्या भेजा है? तो बोलता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। तो बोलते हैं, तुम बगल में इस पोटली में क्या रखे हुए? ये मेरी भाभी का भेजा हुआ उपहार है। ऐसा कहते हुए कृष्ण सुदामा से उस पोटली को छीनते हैं, सुदामा उसे बचाना चाहते हैं। बोलते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान उसे छीन लेते हैं और पोटली को खोलते हैं, उसमें देखते हैं चावल। उस चावल को लेकर और खाने लगते हैं। खाते हुए बोलते हैं, कितना स्वादिष्ट है, मेरी भाभी का इसमें प्रेम है। और सुदामा से बोलते हैं, सुदामा तुम्हारी अभी भी चोरी करने की आदत नहीं गई? तो सुदामा बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, हाँ जब हम लोग आश्रम में पढ़ते थे उस समय राजमाता ने हमें खाने के लिए चने दिए थे और कहा था कि जाओ जंगल से लकड़ियां लेकर आना, और जब हम जंगल में लकड़ी ले गए थे तुमने उस वक्त भी पूरे चने के लिए खा लिए थे। मन मन में सोचता है कि मैंने अपने मित्र को धोखा दिया था, उसी धोखा की वजह से आज मैं इतना दुख भोग रहा हूँ। कृष्ण भगवान कहते हैं, चलो सुदामा अब बहुत बात हो गई, तुम कई दिनों से चलते भी आए, तुम थक चुके हो, ऐसा करो अब तुम विश्राम करो। उनके लिए मखमली बिस्तर बिछाते हैं और सुदामा को उस पर सुला देते हैं। सुदामा सोते रहते हैं, कृष्ण भगवान स्वयं अपने हाथों से उन्हें पंखा करते हैं। इसके बाद कई दिन हो जाते हैं, सुदामा को वहां रहते रहते एक दिन सुदामा से कृष्ण भगवान से बोलते हैं, मित्र बहुत दिन हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, अब मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। कृष्ण भगवान बोलते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा है, जैसा तुम चाहो, लेकिन अगली बार तुम आना तो अपने परिवार को भी लेकर आना। सुदामा बोलता था ठीक है। और इसके पश्चात सुदामा सबसे विदा लेकर महल से बाहर निकल जाता है। अब रास्ते में चलते चलते सोचता है, मन मन में कहता है, अरे मेरा मित्र इतना बड़ा राजा है, इतने बड़े महल में रहता है, मैं आया, मेरी उन्होंने बहुत सेवा भी की, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन कृष्ण भगवान मुझे कुछ भी नहीं दिए, अब घर जाऊंगा, मेरी पत्नी मुझसे पूछेगी, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? ऐसा सोचते हुए दुखी मन से अपने गांव पहुंचते हैं। जब गांव पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, पूरा उनका गांव बदला हुआ दिखाई देता है, लोगों का रहन सहन बिल्कुल अलग दिखाई देता है। और सोचते हैं, ये सब क्या हो गया? अपनी कुटिया देखते हैं, कुटिया दिखाई नहीं देती, बड़े बड़े महल दिखाई देते हैं। बोलते, अरे यही पर तो मेरी कुटिया थी, इस कुटिया में मेरी पत्नी और बच्चे रहते थे, कहाँ चले गए सब? तब एक द्वारपाल बोलता है, ब्राह्मण आप यहाँ पर शोर ना करें, स्वामिनी आराम कर रही हैं। तो द्वारपाल को बोलता सुदामा, इस जगह पर मेरी कुटिया थी, मेरी कुटिया मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ना मेरी पत्नी और मेरे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, सब कहाँ चले गए? तब द्वारपाल बोलता है, अच्छा आप हमारे स्वामी सुदामा जी हैं क्या? सुदामा जी, जब वो सुदामा जी बोलते हैं तो सुदामा बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है और बोलते हैं, आप थोड़ा यहीं पे विश्राम रुकिए, हम अभी स्वामिनी को बुला रहे हैं। कुछ ही पल में उनकी जो पत्नी होती है सज्जा श्रृंगार करके सुंदर रूप में हाथ में पूजा की थाली लेकर निकलती है और साथ में बेटा भी आता है। उनकी पत्नी से बोलती है, आइए स्वामी, और पूजा की थाली से उनकी आरती उतारती है, बेटा उनका पैर छूता है और तीनों महल के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जाने के बाद
सुदामा श्री कृष्ण की फोटो के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, धन्य हो मित्र, धन्य हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने मेरे सारे जो भी मैंने गलती की आपने मुझे माफ कर दिया। आपने मुझे एक पद में रक्त से राजा बना दिया। मैं आपके बारे में कुछ ऐसा बोल रहा था, लेकिन आपने तो सब कुछ मुझे दे दिया। धन्य हो मेरे मित्र, धन्य हो मेरे प्रभु, ऐसे करके श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि मित्रता हमारी सच्ची होनी चाहिए। मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई धोखा नहीं होना चाहिए। मित्रता वही कहलाती है सच्ची मित्रता, जो दुख सुख के समय अपने मित्र का साथ दे, हर वक्त उसके साथ। धन्यवाद।